बढ़रवा थाना क्षेत्र के फुटानी मोड़ के पास खाली दुकान से शुक्रवार की सुबह बक्से में बंद एक बालक को ग्रामीणों ने बरामद किया है। उसे वहां की दुकान में प्लाईवुड के बक्से में रात भर बंद कर रखा गया था। सुबह में बालक के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने दुकान का शटर खोल उसे बाहर निकाला। पुलिस ने बालक को बक्से में बंद करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर एसडीपीओ प्रदीप कुमार उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का उद्भेदन किया। साकिन टापू टोला राधानगर का रहने वाला है। ये गार्जियन का कहना है कि मेरा जो बच्चा है घर से लगभग 8 बजे निकला है। जोखिम शेख के कहने पर ये पीड़ित बालक है अपने घर से निकलकर मोटरसाइकिल से जाता है और ये जाके बरहरवा थाना क्षेत्र ग्राम फुटानी मोड़ स्थित मोर सालिम शेख के घर में ले जाकर रात्रि में रखा। बच्चे के कहने के अनुसार कि हमको काठ का बक्सा में बंद कर दिया गया था और इसकी सूचना बरहरवा थाना को जैसे ही मिला तो बरहरवा थाना पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को विधिवत रूप से विक्टिम को बरामद किया गया है और साथ ही साथ अभियुक्त को विधिवत रूप से गिरफ्तारी की गई है और इसके उपरांत वादी के लिखित आवेदन के आधार पर राधानगर थाना कांड संख्या 20/22 IPC के सुसंगत धाराओं के अधीन कांड दर्ज किया गया है। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में एक अभियुक्त साइम शेख को विधिवत रूप से गिरफ्तारी किया गया है और इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजने का तैयारी चल रही है। यह अपहरण का मामला है या तो फिर सर मकसद क्या था सर? ये मकसद था कि बच्चे को जैसा बच्चे का कहना है कि एक दिन में 1800 रुपया देंगे तुम चलो मेरे साथ। एक तरह से इसको बच्चे को झूठ फुसला कर ले जाने काम करने की नीयत से और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। 3-4 अभियुक्त है इसमें FIR में नेम्ड FIR है। इसका पूर्ववर्ती कोई इतिहास रहा है? पूर्ववर्ती इतिहास इसका और थाने को सूचित किया गया है। इसका आपराधिक इतिहास पता